नालागढ़ के सिविल हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति द्वारा सालाना बैठक का आयोजन किया गया। बैठक एसडीएम नालागढ़ एवं रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन प्रशांत देष्टा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में हॉस्पिटल के स्टाफ एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बैठक में जहां रोगियों को आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, वहीं बैठक के दौरान कई प्रस्ताव व रोगियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिसमें से विकलांगों को एक बहुत बड़ी राहत हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा दी गई। सब रीजन लेवल पे हॉस्पिटल्स में एक रोगी कल्याण समिति बनी होती है, जिसमें हमारे जो सोसाइटी है रोगी कल्याण सोसाइटी, ये पूरे साल का हॉस्पिटल में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो चाहे स्टाफ मैनेजमेंट है इस सोसाइटी के माध्यम से और पेशेंट्स की सुविधा के लिए, उसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर सर यहाँ एक तो बैठते हैं और उन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है और किस तरह से समस्याओं का निदान हो और किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिल सके मैक्सिमम जो इस सोसाइटी के दायरे में चीज़ें जैसे भी बोली जाती है, तो उस दायरे को सामने रख के ही यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इसमें हैं, प्राइवेट मेंबर्स इसमें हैं सोसाइटी से, तो एक मिला जुला संदिशन रहता है सभी का और पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले लिए। देखो हम एक विकसित देश में रह रहे हैं और डेवलपमेंट के जो नए नए आयाम हैं उसको उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ कमियां हैं सिस्टम में व्यवस्था में और उन कमियों के पीछे कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, रिसोर्सेज रहते हैं, तो इन कमियों को भी पूरा करने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं और उन कमियों को भी पूरा करने के लिए यहाँ पर फैसले लिए। सालाना मीटिंग गवर्निंग बॉडी आरकेएस की होती है, जिसमें हम जो आने वाले साल के लिए जो हमारे बजट है उसको अनुमोदित किया जाता है और जो भी हम कुछ कार्य करना चाहते हैं कमिंग ईयर्स में उसके लिए प्रस्ताव पास किए जाते हैं, तो मुख्य उद्देश्य आज की मीटिंग का यही होता है। इसके बाद फिर जो हमारी आज जो मंडे अनुमोदित होंगी उनको हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है आरकेएस की, वो उसको धरातल पे लागू करने का जिम्मा रखती है। विकलांगों के लिए फैसिलिटी जो है वो हमारे यहाँ जहाँ तक संबंध है हेल्थ का, बाकी चीज़ें ये वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ करती हैं। हमारी तरफ से ये है कि जो 40% से ऊपर विकलांग व्यक्ति होगा उसको जो टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं जो हमारी राय में हो सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्ट्रासाउंड का जहाँ तक सवाल है, हमने विभाग से निरंतर टेकअप उस चीज़ को किया है और हम आगामी कार्य का कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। निकासी का इंतजाम हमने अमल में लाने की तैयारी कर चुके हैं, हम संबंधित विभाग हैं। सर ये तो कई सालों से चलता आ रहा है, सर अब कई सालों का काम खत्म होने वाला है, अब हम इसकी तैयारी में जुट गए हैं और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं आने देंगे। बैठे में हमारे लगभग हम कह सकते हैं कि 9-10 चीज़ों पर मुख्य था हम बात करेंगे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।